750 वॉट आरएमएस का हमने वूफर लगाया है, स्पीकर्स लगाए हैं 550 वॉट आरएमएस के अंदर। अभी सिस्टम जो सारा का सारा इंस्टॉल होने वाला है। व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है सबकी? होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी, जितना प्यारा रिस्पांस देते हो वीडियोस के ऊपर। तो आज की वीडियो फिर से हम साहिबिया के पास आए। भैया क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। तो आज की गाड़ी देखो, फॉर्च्यूनर यहाँ पे तैयार हो रही है। लेटेस्ट मॉडल फॉर्च्यूनर है, लेटेस्ट मॉडल फॉर्च्यूनर 2022, अभी 10 दिन पुरानी कार है जी। बिल्कुल 50 लाख रुपए की गाड़ी है अभी ये। हाँ, इसमें म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा कंपनी की तरफ से। इसमें ओरिजिनल आप देख सकते हो, JBL के ओरिजिनल कंपोनेंट्स लगे आ रहे हैं। प्रॉपर JBL का ओरिजिनल स्पीकर है, ठीक है। हम इसको चेंज करके बहुत हैवी सिस्टम इसमें, हैवी सिस्टम लगा लगे हैं। प्रॉपर JBL की जगह हम इसमें प्रॉपर अपना आपको मैं दिखाऊंगा हम क्या इसमें मिड रेंज फिट कर रहे हैं। मतलब काफी भी इसमें बेसिकली नए स्पीकर्स लगेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, सब वूफर्स भी, स्पीकर्स भी, सब कुछ चेंज हो। ओके, तो सारा का सारा जो है वो चेंज होने वाला है। और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है सारा। और डैम्पिंग वगैरह भी हो रही है। डैम्पिंग इसका पार्ट होती है। जब आप हमेशा एक चीज याद रखना, जो तो बंदा साउंड का शौकीन है ना, जो भी अपने साउंड सिस्टम लगाना है, डैम्पिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कार। मतलब मस्ट, एक तो नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगी, ओके, तो उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड मच मच बेटर मच बेटर रहेगी। तो ऐसे करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम हो रहा है और वगैरह डिटेल सारी मैं देता हूँ कैसे होगा। चलिए भैया, प्रोसेस जो है वो ऑन है अभी। भैया एक चीज बताओ, अभी सारा हो रहा है वैसे कितना को टाइम लग जाता है हैवी? इसको बहुत ज्यादा मतलब तसल्ली से काम करने में मैक्सिमम 5-6 घंटे आराम से लगे। बिल्कुल, क्योंकि भैया जैसे वायरिंग भी छेड़नी है तो भी ऐसे किसी को वारंटी का इशू तो नहीं आएगा? कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इसके साथ हम कोई वायरिंग का अपना पंगा ले रहे हैं, हम खुद की अपनी ही वायरिंग डाल रहे हैं। ओके ओके, कोई सपोर्ट नहीं, कोई वायर कटने का कुछ नहीं। और दूसरी बात ये देखो, जैसे हमने डैम्प करी है ओरिजिनली वाइब्रो फिल्टर विद नॉइस प्रोटेक्शन, ओके, प्रॉपरली हमने डैम्पिंग करी है। इसके अंदर भी शीट लगाई है, डोर के अंदर भी और डोर के बाहर। ओके, डोर के बाहर भी लगी हुई है। और इसके साथ ये चीज ऐसी है, दैट इज कॉल्ड अ वाटरप्रूफ नॉइस कैंसिलेशन। ओके ओके, इसके अंदर आपके प्रॉपरली वो देखो, जैसे आप जूम करके देखोगे, ओके, प्रॉपरली हमने फिट करे हो। ओके ओके, ठीक है। वैसे होता क्या वैसे इसके साथ? क्या होता है, एक तो बेस अच्छी आती है, हाँ आपके स्पीकर्स प्रोटेक्ट में रहते हैं। ओके ओके, कभी क्या होता है जब बंप लगता है कोई भी गाड़ी को ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल हिलते नहीं है। ओके, इसके नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छी रहती है। ये बाय चांस हम क्या करते हैं, जब हम गाड़ी भी वॉश कराते हैं ना, ये प्रॉपरली स्पीकर को प्रोटेक्ट करता है ऊपर से। ओके ओके, जब हम ध्यान से देखो, जब हम शीशा करते हैं यहाँ पे स्पेस बनी होती है पानी अंदर जाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपरली डोर के साथ चिपक के ना प्रॉपरली स्पीकर्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए अच्छी चीज है। तो जितने भी आप देखो वायरिंग देख रहे हो, आपको कभी भी कोई वारंटी का इशू नहीं आएगा, ना कोई वायर कट हो रही है यहाँ पे। अभी अभी अपनी नई वायर डल रही है अंदर साइड, ऐसे डैम्पिंग लग रही है। चलो ये देखो, आपको दिखा भी दिया आपको, अंदर साइड भी डैम्पिंग लग रही है, उसके बाद बाहर साइड भी आपको लगाएगी, जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगी इसके लिए। जैसे आप उसमें जूम करके देख सकते हो, प्रॉपरली वो DS18 की मिड लग रही है सबसे हैवी। ओके ठीक है, आप फिटिंग चेक कर सकते हो प्रॉपरली, इसने राउंड शेप में ना, राउंड शेप में प्रॉपरली इसने कवर किया हुआ है, गोल पूरा अच्छी तरह कवर किया हुआ है। और देखो प्रॉपर सारा काम हो रहा है, देख लो ये सारा जितना सिस्टम हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये सारा का सारा इस फॉर्च्यूनर में भी इंस्टॉल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें भी क्या क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं अभी? अभी आप ये चीज देखो, इसमें हम 4 चैनल पाइनियर और 4 चैनल मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये 1200 वॉट मैक्स है जी, ये 1600 वॉट है। ओके ओके, और इसमें क्या हम DS18 की हम मिड्स लगा रहे हैं। हाँ, आप ये चेक कर सकते हो, सबसे हैवी मीटर। बिल्कुल ठीक है, ये 250 वॉट आरएमएस। ओके, 250 वॉट, और काफी ज्यादा हैवी है, क्योंकि ऑलरेडी हम कई और वीडियोस में दिखा चुके हैं इसमें। हाँ, काफी लोग आपसे प्रेफर करते हैं, मतलब 250 वॉट आरएमएस जोन से साउंड के शौकीन है उनको पता चल जाएगा भी 250 वॉट आरएमएस बहुत ज्यादा होती है एक सेट का 250 वॉट। ओके, पर टोटल सेट आपको 500 वॉट आरएमएस का लग रहा है, राइट? ओके ओके, अब ये देखो, ये जोन से हमने कंपनी की यूज करी है, जैसे वाइब्रो फिल्टर डैम्पिंग यूज करी है। ओके, ये सबसे मोटी थिकनेस में आती है। ओके ओके, प्रॉपर गाड़ी में यही फिट हो रही है, और कोई ब्रांड हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सारा का सारा सेट वाइब्रो फिल्टर का ही लग रहा है। ओके, इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, इसकी 5 साल की गारंटी आती है, और ये प्रॉपर नॉइस प्रोटेक्शन के लिए होती है। ओके ओके, प्रॉपरली नॉइस, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, बाकी सब डैम्पिंग चीजें सब काफी अच्छी है। अभी एक चीज बताओ, कईयों को नॉलेज नहीं होती। हाँ, डैम्पिंग से होता क्या है बेसिकली? डैम्पिंग से बेसिकली क्या होता है, जो सा बंदा साउंड सिस्टम को शौकीन है उसको ऑलरेडी पता होगा, हम कोई भी गाड़ी बेस मॉडल लेते हैं, हम डैम्पिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि गाड़ी हैवी हो जाए। Okay. आप करते हो, हम जोर जोर से कई बार ताकियां भी डोर्स बहुत जोर से बंद करते हैं, बिल्कुल नॉइस आती है बहुत ज्यादा, प्लास्टिक की वजह से ये नॉइस प्रोटेक्ट कर लेता है। Okay. ये अंदर वाली साउंड भी और बाहर वाली साउंड से भी बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर देता है, बहुत ज्यादा। प्लस भी जो म्यूजिक सिस्टम हम लगा रहे हैं, इसका थोड़ा गारंटी वारंटी उसका थोड़ा बताओ क्या? जो भी चीज लगा रहे हो, जैसे पाइनियर होगी, प्रॉपर इसका सर्विस सेंटर है अलास्का का हमें जलंधर में। ओके, कोई भी आप चीज ले रहे हो, सबकी गारंटी है, वारंटी नहीं है कुछ भी। आपका माइनर सी चीज की कोई प्रॉब्लम आती है, वो वारंटी में ठीक कर देते हैं। ओके, बाकी अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज चेंज भी कर देते हैं, चेंज कर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम टाइप आर एल्पाइन का बुफर लगा रहे हैं, ओरिजिनली पेपर कोन। ओके ठीक है, ये 750 वॉट आ रहा है सर। ओके ओके, 750 बहुत ज्यादा होता है ओरिजिनली टाइप आर का, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर अभी सिस्टम जो सारा का सारा इंस्टॉल होने वाला है।
जिसकी अभी हम लिखाएंगे किस तरह हो रहा है। उसके बाद एंड में ये भी दिखाएंगे जब एंड में हो जाता है कि क्या साउंड रहेगी, कैसा रुक रहेगा। इसमें वायरिंग जो हम यूज कर रहे हैं एक 4 गेज यूज कर रहे हैं। ओके, 4 गेज से भी एक ऊपर आती है ओरिजिनल कॉपर। ओके, और वायरिंग के भी हम 3-3 साल की गारंटी लेते हैं। ओके, और इसमें क्या प्रॉपरली टाइप आर का वूफर हो गया, बिल्कुल 4 स्पीकर 4 मिड रेंज ये होगी, हाँ जी, एक मोनो हो गया, एक फोर चैनल हो गया, और साथ में छोटा सा एक हेड कर रहे हैं पायनियर का ट्विटर, सिर्फ एक हल्की सी छनकार कह सकते म्यूजिक का टेस्ट बढ़ाने के लिए। ओके, और ये एक डैम्पिंग होगी वाइब्रो फिल्टर, तो ये सारा अभी होने वाला है। और इसमें हम डैम्पिंग में एक और चीज कर रहे हैं, ये प्रॉपरली डबल कोट कर रहे हैं। डबल कोट मोस्टली हर कोई नहीं कर पाता है, डबल कोट में आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, एक अंदर शीट लगती है, एक बाहर शीट लगती है। ओके, बाहर से भी नॉइस कैंसिलेशन का आपको प्रॉपरली फर्क नजर आएगा, और मतलब बेसिकली अगर आप अंदर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा हम एक कल केबिन के अंदर बैठे हुए सुन रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं ना होम थिएटर सिस्टम, जैसे घर बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपरली लगा होता है, प्रॉपरली हम वही सेटअप, वही सेटअप अभी इस फॉर्च्यूनर के अंदर तैयार हो रहा है जो कि हम आगे दिखाते हैं। हाँ जी, फाइनली जी, मतलब अभी शाम हो गई है, काम हमारा डन हो गया, अब दिखाने लगे हैं कि जो हमने वूफर हम दिखाने लगे अभी जो हमने लगाया है इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो ये सारा सिस्टम अभी इंस्टॉल हो गया, जो हमने डन हो गया सारा सिस्टम। ओके, तो भैया यही वाला एल्पाइन का जो हमने शुरुआत में दिखाया था वो सबसे हैवी वूफर है, ये एल्पाइन टाइप आर का। ओके, प्रॉपरली 750 वॉट आरएमएस है ये, प्रॉपरली ओरिजिनल एल्पाइन का, जो कि काफी बड़ा मतलब चीज है, ठीक है। जैसे ओरिजिनल वाइपर ऑडियो का हमने बॉक्स लाया है, इसकी बॉक्स की क्वालिटी ओके अल्टीमेट, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप इसको 10 साल बाद ऐसे रख लो या ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है जी, ठीक है। और इसमें हमने जो आप देख सकते हो RW12D4 हमने एल्पाइन का ये वूफर लगाया है, 1200 वॉट आरएमएस ये हमने पायनियर का लगाया है, ओके GM DX 874, ठीक है। और इसमें हमने GM D 9701। ओके, जैसे इसकी जो ज्यादा नॉलेज है जिसको म्यूजिक का मतलब है उसको अपने आप पता लग जाएगा, ये 4 चैनल है, ये मोनो है और ये वूफर, ओके। और इसमें जो हमने आउटपुट की हमने रिले लगाई है, ओके, दैट इज अ डेप बॉन्स, ठीक है, ये होता है आउटपुट लेवल, जो हमारे कंपनी वाले प्लेयर इतने ज्यादा नहीं सपोर्टिव होते उसके पीछे डब्बी लगती है प्रॉपरली, ये होता है तो उनको मतलब हैवी सिस्टम को सपोर्ट कर देती है आगे जाके, ठीक है। तो अभी हम भी ऐसे करें चल के जरा आवाज सुना दे सबको जरा, बिल्कुल 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 सुनानी चाहिए, इतनी मेहनत करी है यार, बिल्कुल। तो जी अभी अंदर आ गए हैं, यहाँ पे हमारे अंदर भी हमारे जो 4 स्पीकर्स मेन चेंज हुए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारा वूफर लगा है, वो वीडियो में हम दिखाएंगे प्रॉपरली कैसे आवाज आ रही है, वैसे तो वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा। बेसिकली जैसे हमने इसमें बेस कंट्रोलर लगाया है, हाँ जी, बेस कंट्रोलर में आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कितनी बेस गाने के हिसाब से, बिकॉज पंजाबी की क्वालिटी अलग आती है, बॉलीवुड की अलग और हॉलीवुड की अलग, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से बेस भी सेट कर सकते हो। ओरिजिनली पायनियर का हम बेस कंट्रोलर लगा रहे हैं, ओके ओके, हम उस जगह में फिट करें भी, कभी भी ड्राइविंग करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और जगह वहाँ पे ढूंढ रहे भी आप कस्टमर जहाँ भी बोलेगा वहाँ पे लगा दें, बिल्कुल। तो ये चला के जो दिखाएंगे, एक चीज जरूर होगी सारे स्नैपचैट पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट उस पे डलते रहेंगे भैया, है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, भी टाइम है वीडियो एंड करने का, आज हमने पूरी आपको फॉर्च्यूनर तैयार कर दिखाई, सारा म्यूजिक सिस्टम जो हमने इसके अंदर भी इंस्टॉल किया है, तो काफ़ी मतलब हैवी सिस्टम जिसके अंदर हमने कितना वॉट बोला आपने भैया, 750 वॉट का, 750 वॉट आरएमएस का हमने वूफर लगाया, स्पीकर्स लगाए हैं 550 वॉट आरएमएस के, ओके, बहुत बढ़िया सिस्टम है, कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, आप जब आओगे मैं आपको म्यूजिक सिस्टम भी प्रॉपर सुना लाऊंगा, मतलब फोन पे तो चलो आपको क्वालिटी का नहीं पता चलेगा, बिल्कुल, आपको कोई भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है मेरा नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, स्नैपचैट आईडी भी की है, लेटेस्ट अपडेट सारे उस पे साथ साथ आपको मिलते रहेंगे, इंस्टाग्राम भी सामने कुछ और है, प्लस मैं खुद गाड़ी में बैठा था मतलब पूरा शरीर ही वाइब्रेट हो जाता है, इतना बढ़िया उसका बेस है। और इसमें आपको अगर आपको ड्रेस की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ये हमारा सेशन कोर्ट नियर कमल पैलेस, जहाँ पे जजेस की मेन एंट्री होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट के सामने, तो आपको सारी चीज़ें A to Z नई से नई गाड़ी की एक एक्सेसरी, क्योंकि हमने और बहुत सारी वीडियोस की हुई है नई से नई गाड़ियों की, आपको एक्सेसरी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम बताया, इससे भी ऊपर का भी वो भी मिल जाएगा, हर एक का अपना बजट है, इससे नीचे इससे ऊपर क्वालिटी ऑफ साउंड हम देने की कोशिश करते हैं, जिसका बजट है मुस्लिम है उसको सेटिस्फाई, और ये भी 10 दिन पुरानी सिर्फ गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी इसके अंदर हमने और इंस्टॉल कर ली, तो यही थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, थैंक यू जी।